नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर चाट छोले के साथ। देखिए, उसके लिए ये सामान लगेगा। 200 ग्राम मटर है, 6 टमाटर है, एक नींबू का रस लगेगा, एक आलू मसाले में है, धनिया, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, अदरक, काला नमक, थोड़ी धनिया के पत्ती। अब मैं इन मटर और आलू को एक साथ कुकर में बॉईल कर दूंगी, मैं दिखाऊंगी। देखिए, कुकर में मटर आलू डाल दिए हैं। अब उसमें डाल देना है थोड़ा पानी। अब इसे मैं उबाल दूंगी। नमक, देखिए कुकर को मैं गैस पर रख दी हूँ। अब दूसरे फ्लेम पर कुकर को रख दे रही हूँ, धीरे आंच पर होता रहेगा। इधर मैं चाट के लिए मसाला भून रही हूँ। धनिया, जीरा, काली मिर्च थोड़ी, इसको भून कर पीसना है। मसाला भून गए हैं। देखिए, छोला पक गए हैं। अब मैं कुकर में से इसे बाहर कर रही हूँ। यह भी मैं इतने का बनाऊंगी। देखिए, चाट बनाने के लिए मैं तवा रख दी हूँ। अब तवे में तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म हो रहा है। अब मैं डालूंगी उसमें अदरक, आंच मीडियम है, हरी मिर्च, प्याज प्याज डाल देती हूँ। प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ। अब मैं डालूंगी टमाटर। ये टमाटर है, छोटे छोटे हैं, 3 पीस है। टमाटर चाट है तो इस पर टमाटर का ही काम होगा। छोले में नमक है, टमाटर गलने के लिए एक चुटकी नमक का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा पानी डाल के मैं भून रही हूँ टमाटर को। टमाटर भून गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ छोला।
इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू, चाट मसाला अंदाज से जितना इसमें चाहिए इतना मैं बचाई हूँ, इसमें इतना ही जरूरत है। थोड़ा काला नमक स्वाद के हिसाब से, थोड़ी हरी धनिया, थोड़ा पानी, इसको कूट कर खूब पकाऊंगी 5 मिनट तक। देखिए टमाटर चाट को कूटते हुए बनाते हुए हमें इतना समय हो गया, 5 मिनट लगे हैं। अब ये हो गया है, अब मैं इसे गैस को बंद कर रही हूँ। देखिए ये गर्मा गर्म चाट तैयार है, बहुत ही स्वाद है। अब मैं मिलती हूँ अगले